फिरोजाबाद नगर निगम में आज फिरोजाबाद के वार्डों के पार्षद मेयर नूतन राठौर से मिले और उन्होंने अपनी समस्याएं महापौर के सामने व्यक्त की, जिसमें प्रमुख समस्या थी नगर निगम के कर्मचारियों को लेकर, जो कि ना तो समय से आते हैं और समय से पहले ही चले जाते हैं, जिसके कारण पार्षद परेशान है। और उनका साथ में ये भी कहना है कि जिस हिसाब से वार्डों की जनसंख्या है उस हिसाब से नगर निगम के कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम। पर नूतन राठौर ने इन सभी बातों पर गौर करते हुए कहा कि वो जल्द कर्मचारियों की संख्या को लेकर नई नियुक्ति करेंगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम के कर्मचारियों के आने के समय को निर्धारित करने के लिए हर वार्ड में सुपरवाइजर एक अटेंडेंस रजिस्टर रखेगा, जिस पर आने और जाने के समय पर कर्मचारियों को अपने हस्ताक्षर करने होंगे। और साथ ही एक काउंटर रजिस्टर भी होगा जो कि अटेंडेंस पार्षदों के पास लगाई जाएगी, जिससे कि पार्षद भी अपने वार्ड में कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे काम पर नजर रख सकेंगे। फिरोजाबाद से अजय शर्मा, SKH न्यूज। देखिए, सभी पार्षदगणों की जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर जो कर्मचारी है हमारे क्षेत्र में सभी वार्ड में, तो उनकी जो जनसंख्या है, मतलब वार्ड की जो जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग ही हम कर्मचारी तैनात करेंगे। और जो मूलभूत समस्या है वो ये है कि कर्मचारी टाइम पर नहीं आते और टाइम से पहले चले जाते हैं। तो इसके लिए मैंने निर्देश दे दिया है कि कर्मचारी जब आएंगे सुबह 7 बजे तो जो सुपरवाइजर है वो उनका अटेंडेंस लगाएंगे और जो काउंटर साइन रहेगा वो हमारे पार्षदगणों का रहेगा। ऐसे ही टाइम इन टाइम आउट पर जो काउंटर साइन रहेगा हमारे पार्षदों का रहेगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और जो हमारे कर्मचारी हैं वो पूरे समय फील्ड में रहेंगे और काम करेंगे, जिससे सफाई व्यवस्था एकदम स्थिर रहेगी। पार्षदों का आरोप है कि मतभेदता की जा रही है। जी, मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं सभी को इक्वल मानती हूँ, मेरे लिए सभी 70 पार्षद एक बराबर है।